सो व्हाट माइनस 0.6 आ गया ना, तो क्या आ जाएगा पी एक्स के अंदर जेड लिख दो, जेड ग्रेटर देन माइनस 0.6 ड्राइंग जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू माइनस 0.6। तो क्या करें अभी, ग्रेटर है किधर जाऊँ ऐसे सफर है ना, ऐसे सफर करते रहते हैं जब तक गूगल भगवान दे देगा आंसर। तब क्या आएगा ये आंसर, और 0.5 माइनस 0.6 जीरो प्लस 0.5 और 0.6 2257 0.7257 आ गया। चलो मैं थर्ड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 121 सर्विस डब्ल्यू एक्स एच चलो तो जेड इक्वल टू क्या करूँ 121 माइनस 150 अपॉन 40 माइनस 29 0.725 माइनस 0.725 माइनस 0.7 क्या इसका आंसर, एक्स इज लेस देन है तो उधर इधर उधर इधर इधर ये चलते उधर जाऊँ एक जगह बढ़ जाता अब कैसा आएगा, ऐसे तो आएगा कुछ तो आएगा ये पूरा इंटायर आंसर 0.5 माइनस ये आंसर का इन बिटवीन माइनस 0.725 इस आंसर प्लस 0.5 और क्या करो 0.7 का 3 2673 है। अरे उसके इधर देखना कितना 25 T 26 11 26 42 26 73 तब 26 रेंज में आ रहा है, चौदह मेरे को चलो 0.2327 बराबर है। फिर क्या है भाई पी क्या है 21 हमको एकदम 178 जेड इक्वल टू 178 माइनस 150 अपॉन 40 तो 28 अपॉन 0.7 जेड इज ग्रेटर देन 0.7 अच्छा लग रहा है चित्र लिखना कुछ टेंशन ही नहीं है अब तो ऑनलाइन हो गया तो और टेंशन नहीं चल इससे ग्रेटर तो इस साइड दिस आंसर अब जाके मुंबई यूनिवर्सिटी पर केस कर देता हूँ मैं मेरा बेड दस होगा तो पॉइंट सेवन का जीरो 2580 0.2420
फिफ्थ कितना है भाई? 121 एक्स 130 121 का किए थे क्या कहीं पे? हाँ 121 का ऊपर देखो किया है वो आ जाएगा। 130 किए थे क्या? नहीं। 130 का कर लो पहला, तो जेड इक्वल टू 130 माइनस 150 अपॉन 40 माइनस 20 अपॉन 40 अब ये हिस्सा 120 का क्या था? माइनस 0.725 जेड इक्वल टू जीरो आई।